नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों आप सब जानते हैं चाइना का सो कॉल्ड J-20 विमान, जैसे कि वो पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट कहता है, उसके बारे में अब एक बड़ी पोल खुल गई है। हालांकि इससे पहले भी भारतीय वायुसेना इस बारे में कह चुकी है कि चाइना के J-20 से भारत को कोई खतरा नहीं है। अब यही बात अमेरिका की तरफ से साफ हो गई है, जहां अमेरिका का F-22 रैप्टर, जो कि बेहद घातक फाइटर जेट माना जाता है, और इस F-22 रैप्टर को अमेरिका किसी देश को नहीं बेचता है। ऐसे में अमेरिका ने ये कहा है कि उनका F-22 रैप्टर और जो F-35 फाइटर जेट है, उससे चाइना के J-20 का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना ने अपने J-20 लड़ाकू विमान को कुछ ज्यादा ही हवा दे रखी है और इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। चीन का J-20 एक प्रभावशाली फाइटर जेट नहीं है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट को स्टेल्थ क्षमताओं से लैस मानता है, जिसे कि कोई रडार पकड़ नहीं सकता। लेकिन चीन के इन दावों को पश्चिमी देशों के कई सैन्य विशेषज्ञ खारिज कर चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल ने कहा कि J-20 चाइना का एकमात्र ऑपरेशनल पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, और जिसे अक्सर यह कहा जाता है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। और चीन की कई मीडिया रिपोर्ट से भी संकेत मिलता है कि चाइना एक्टिवली J-20 की उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है, ताकि चीन अपनी वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन अमेरिकी जनरल ने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान में अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग की क्षमताओं की तुलना में J-20 कहीं पर खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि चाइना ने नकल बहुत अच्छी की है। J-20 में शामिल अधिकतर तकनीकों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही उन्होंने चुराया है। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने ये भी कहा है कि अमेरिकी विमान की क्षमताएं जब सहयोगियों और साझेदारों के साथ जोड़ी जाती हैं, तो वे J-20 विमान से पैदा होने वाली किसी भी संभावित चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरीके से लैस है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों का जो बहुराष्ट्रीय गठबंधन है, वो किसी भी चाइनीज फाइटर जेट के लिए चुनौती पेश कर सकता है। ऐसे में चीनी J-20 विमान के लिए उनका मुकाबला करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के इस वरिष्ठ अधिकारी ने 2022 में भी इस बारे में कहा था कि J-20 दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि ये कोई बड़ा खतरा हो। बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी इस बारे में कह चुकी है, लेकिन दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसे में भले ही अमेरिका ये बात जानता है कि चाइना का J-20 उनके स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 और F-35 के आगे नहीं टिकता, लेकिन फिर भी तैयारियां और ज़्यादा मजबूत रखनी होगी। और चाइना को दोस्तों कोई अकेला देश नहीं टैकल कर सकता, बल्कि गठबंधन ही चाइना को वो रोक सकते हैं। वो धड़ाधड़ अपनी फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा रहा है, धड़ाधड़ अपनी नौसेना में जहाज़ों और पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि चाइना झुंड में अटैक कर सकता है, और इस झुंड से निपटने के लिए गठबंधन ही बहुत ज़रूरी है, जो कि एक मजबूत और रक्षात्मक हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।